वेलकम ऑल ऑफ यू एम मैथ्स ट्यूटोरियल पे, मैं अनिल मौर्य आपका स्वागत करता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशिएशन, सदिश अवकलन जिसको हम पढ़ते हैं, इसके बारे में हमें चीज सीखना है। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेक्टर डिफरेंशिएशन के अंडर में कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर गया हूँ। दैट इज़ अ टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जामिनेशन जो हम, जैसे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट हैं या पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स हैं और बीएससी स्टूडेंट्स हैं एंड आईआईटी जैम आप दे रहे हो, गेट वगैरह में अक्सर पूछ लिया जाता है। बट यदि आईआईटी जैम दे रहे हो आप, उसमें तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक थोड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। इस टॉपिक्स का हम डिस्कशन वन बाई वन करेंगे, तो कई लेक्चर्स में ये पार्ट अभी चलेगा वेक्टर डिफरेंशिएशन का। मेरे कुछ वीडियोस होंगे बट वो बहुत ही पुराने ओल्ड्स हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। अभी ये इन्हीं टॉपिक्स पे मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ और अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो को डिस्कशन करेंगे। तो आइए, इस वीडियो पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। आई कम टू द पॉइंट्स। तो इस लेक्चर में मैं क्या जनरली कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पहले उस पर बात कर लें हम। ऑपरेटर ऑफ डेल और नेबला, इसकी बात करेंगे। दैट इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट है ये, इस मतलब नेबला जो डेल ऑपरेटर है ना, ये वेक्टर डिफरेंशिएशन जो हम फाइंड आउट करेंगे, ये आगे जी के पॉइंट जो कुछ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा डिपेंड है। ठीक है, तो हम वेक्टर ऑपरेटर इसकी बात करेंगे। फिर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ग्रेडियंट क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेडियंट का, जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्रवणता जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या है, और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या है, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या है, इरोटेशनल सोलेनोइडल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द अबो, प्रॉपर्टी ऑफ अबो मतलब इन सभी की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये सेक्शन जो होगा ना, ए वाला सेक्शन, इसको कम से कम मैं तीन लेक्चर में डिवाइड करूँगा, दो से तीन लेक्चर्स में ये डिवाइड होगा, क्योंकि बहुत थोड़ा पहले एक बेसिक प्रॉपर्टीज और उसके बाद उसके कुछ और रूल्स एंड डेरिवेटिव, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। दो वेक्टर्स होंगे तो क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज है तो क्या होगा, उस पर वर्कआउट होगा। ठीक है, और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, तो ये सब चीज़ मिल करके ये कम से कम इनको हम दो से तीन लेक्चर में करेंगे, ये दो लेक्चर्स में करेंगे, और सॉरी इन दोनों को, ठीक, इन दोनों को दो में हो जाएगा। तो कम से कम इसको हम 5-7 लेक्चर्स में कर लेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो एक लेक्चर से इसको भी बात कर लें, या प्रॉपर्टी प्रॉब्लम के साथ चलता रहेगा। तो इस तरह इन सेक्शन को हम डिवाइड करने वाले हैं। तो आज मैं सिर्फ इन तीनों पे बात करूँगा, इन तीनों की बात है, इस लेक्चर्स में बातें होंगी। तो आइए कम टू द पॉइंट्स। तो अभी ये सेक्शन में हटा देता हूँ और डेल और नेबला और ऑपरेटर्स के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, आइए डिस्कशन करते हैं। आइए अभी हम ऑपरेटर की बात करते हैं। दैट इज अ डेल ऑपरेटर और वेक्टर। ठीक, ये है। ठीक है, तो इसी की बात हमें करनी है। तो व्हाट इज द दिस, तो हम इसको लिखते हैं दैट वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर डेल। ठीक है, इसको हम कहते हैं रीड एज, इसको हम पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाला सीक्वेंस हमारा है ना, इसको हम पढ़ते हैं डेल आर नेबला। ठीक, इज डिफाइन एज what? मतलब इस जो वेक्टर ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सो डिफाइन एज डेल इज इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। सो व्हाट इज दिस,
वेयर आई जे के इज व्हाट? आई जे के, दिस इज द आई जे के इज द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है. दिस इज द वेयर आई जे के आर यूनिट वेक्टर. ठीक, ये चीजें होती हैं, हम इस तरह से बनाते हैं इसको. दैट इज हियर, सो दैट इज द जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. यूनिट वेक्टर इज आई, यूनिट वेक्टर जे, सॉरी के, एंड यूनिट वेक्टर इज जे अकॉर्डिंग टू वाई एक्स एक्सिस. जब एक्स एक्सिस के थ्रू है तो यूनिट वेक्टर आई, जे एंड के. तो ये हमारा वेक्टर ऑपरेटर्स. तो इसी की बात करनी है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये टास्क याद रखिएगा, बिना इसके आगे के कैलकुलेशंस वगैरह नहीं होंगे, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अब हम इसी पे आगे बात करते हैं. हमारा जो कह रहा है ग्रेड फाइव, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन. व्हाट? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन. तो अब ग्रेडियंट की बात कर लें, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन. ठीक, इसकी बात करनी है हमें कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है. तो पहले, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो क्या है. ये चीजें, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये पॉइंट जो है क्या है. तो अगर किसी जो स्पेस हो, एक किसी स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमें एक कोई स्केल, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कोई एक अदिश प्राप्त होता है, तो उसको हम कह सकते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन. जैसे कि ये मान लीजिए हमारा बनाया हुआ स्पेस है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो इसके लिए हमें एक कोई फंक्शन एफ एक्स वाई जेड फाइंड आउट होता है, ज्ञात होता है, जो कि अदिश हो, तो उसी को हम कह सकते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन. इसको अदिश बिंदु फलन भी कहा जाता है. दैट इज हिंदी में अगर कहें हम, तो इस वाले सेक्शन को हम कहते हैं दिस अदिश बिंदु फलन. सो दैट इज द इंग्लिश, हिंदी ये है. बट हमें इस पे डिटेल्स में नहीं जाना है, तो इस डिटेल की बात हम करेंगे नहीं. फिर हमें ग्रेडियंट पे आना है, तो व्हाट इज द ग्रेडियंट. ठीक है, तो ग्रेडियंट के लिए दैट इज इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि हम कुछ चीज़ें, हमें एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए. तो हम मान लेंगे लेट फाई एक्स वाई जेड बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन. ठीक है, तो ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ फाई सो फंक्शन है. तो द वेक्टर फंक्शन या ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डिनोटेड एज या डिनोटेड बाय ये डेल ऑपरेटर, उसके साथ में फाई. ठीक है, होगा या इट इज आल्सो रिटन एज ग्रेड फाइव. ये चीजें होती हैं. तो हमारी बात ये होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं या दैट इस वर्ड्स के सिंबल के साथ लिखा जा सकता है. दैट इज अ नोटेशन. तो ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रेडियंट ऑफ दिस. तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? फाई एक्स वाई जेड मतलब क्या है? कि यह कोई एक्स वाई जेड का एक फंक्शन होगा. स्केलर पॉइंट फंक्शन मतलब ये हो गया कि जिसमें वेक्टर नहीं होगा, एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ फाई एक्स वाई जेड, रिलेशन बिटवीन देम. ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा. तो डेल फाई इज इक्वल टू व्हाट? तो डेल इज इक्वल टू, दिस इज हियर एवरी वन इज नो कि डेल इज आई डेल डेल एक्स जे डेल डेल वाई एंड के डेल डेल जेड और इन टू दैट इज अ फाई. सो इज ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज डेल फाई आई
डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई के डेल फाई अपॉन डेल जेड, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक, ये हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑफ, जो इसको कहते हैं ना ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन ये हमारा है। अब इसी पे हम आगे आएंगे, इसी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और कुछ टर्म, जैसे हम कहें एक एग्जांपल पहले इस पे मैं कर लूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कि जैसे मान लीजिए फाई, फाई इज इक्वल टू, मैं कुछ मान लेता हूँ एक्स क्यू वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये चीज़ें मान ली। सो व्हाट इज दिस, तो ग्रेडियंट क्या होगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे जो ग्रेडियंट वर्कआउट है ना स्टूडेंट्स, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो दैट इज अ डेल फाई का कंसेप्ट। तो ग्रेडियंट फाई, डेल फाई इज इक्वल टू, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट इज आई डेल फाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई डेल वाई प्लस के डेल फाई डेल जेड, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो पुट दिस वैल्यूज डेल डेल एक्स और ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस जे डेल डेल वाई एक्स क्यू वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर जेड और प्लस के डेल बाय डेल जेड एक्स क्यू वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर जेड, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब डिफरेंशिएशन, चूँकि एक्स के रिस्पेक्ट में है, ध्यान रखिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में है तो वाई और जेड का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो इस केसेस में हम x का करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर, ये 0, और इसका कर देंगे x का 1 तो 3y स्क्वायर z प्लस z, y के रिस्पेक्ट में है तो x और z कांस्टेंट होंगे तो यहाँ होगा 3y स्क्वायर, ये 0 मिल जाएगा, और फिर माइनस y का 2y होगा तो 6xy z प्लस k, z के रिस्पेक्ट में होगा तो ये 0 ये 0 माइनस और 3x वाई स्क्वायर। तो बस यही हो गया, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेंगे, सो दैट इज़ द आंसर। ठीक है, इसको अरेंजमेंट करके लिख लें, दैट इज आई 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड प्लस जे 3y स्क्वायर माइनस 6xy जेड प्लस के माइनस 3x y square, so that is the answer। ये हो गया। तो स्टूडेंट हमें इनको इस तरह से टास्क करके ये वैल्यूज को निकालनी है। तो अब हम आएंगे कुछ इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पे, इसे कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है और कैसे कैलकुलेशंस को करना है, तो ये इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आते पहला ग्रेडियंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म। तो ग्रेडियंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म व्हाट, ये हमें दिखाना है क्या ग्रेडियंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज जीरो। जीरो मतलब कि यदि इफ ठीक फाई एक्स वाई जेड बी ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, फंक्शन ठीक, तो डेल फाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमें दिखा देना है। तो हम मान लेते हैं लेट, सो ये है प्रूव दैट लेट फाई एक्स वाई जेड बी ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक, यह मान लेते कांस्टेंट फंक्शन है तो डेल फाई, सॉरी तो फंक्शन है तो मान लीजिए हम फाई इज इक्वल टू सी मान लेते हैं,
तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्या होगा, दैट इज अ ज़ीरो. डेल फाई डेल वाई क्या होगा, ज़ीरो. डेल फाई डेल जेड क्या होगा, इट विल बी ज़ीरो. एवरीथिंग इज ज़ीरो. सो नाउ डेल फाई आई डेल फाई डेल एक्स जे डेल फाई डेल वाई की डेल फाई डेल जेड, सो एवरीथिंग इज ज़ीरो. तो डेल फाई ज़ीरो मतलब डेल ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो. जब सी इज कॉन्स्टेंट हो, सी का मतलब क्या है, सी यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज अ कॉन्स्टेंट. ठीक, ये चीज़ें हैं. तो पहला ये हो गया. अब दूसरी की बात करें हम इसी तरह. अब जैसे सम हम कहें, दूसरा वाला जो पोर्शन है जैसे ये, इसी में ये दूसरा कि ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस माइनस जी बराबर, ठीक है, ये होगा. सो डेल एफ प्लस माइनस डेल जी, ये होता है दूसरा. ठीक, दैट इज अ ग्रेडियंट. ये प्रॉपर्टीज है, मान सिंपल रखते चले जाएंगे और सिमिलरली हम कर लेंगे. तीसरे की बात कर लें, डेल एफ सी दो फंक्शन का मल्टीपल, दैट इज इंपॉर्टेंट. एफ, ठीक है, एफ डेल ऑफ जी फर्स्ट प्लस जी डेल एफ, ये दो फंक्शन यदि है उनका मल्टीपल है तो फर्स्ट इंटू ग्रेडियंट ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट. जैसे हम डेरिवेटिव जनरली नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करना है इसको, कोई अलग से कंसेप्ट यूज नहीं करना है. तो हम तीसरे वाले का इसका प्रूफ करेंगे. देखिए कैसे करते हैं. इस तीसरे वाले सेक्शन का वर्कआउट करना है हमें. तो आपको पता है दिस इज योर थर्ड वाला, तो डेल एफ ऑफ जी है, तो आप हम दिस इज आई डेल एफ ऑफ जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल वाई एफ ऑफ जी प्लस के डेल वाई डेल जेड एफ ऑफ जी. ओके, आई एफ डेल जी डेल एक्स, ठीक है, प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस अब जे, ठीक है ना. फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड जो नॉर्मल डेरिवेटिव हम करते हैं वो कर लिया, यहाँ भी वही काम. एफ डेल जी डेल वाई, ठीक, प्लस जी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के एफ डेल जी डेल जेड और के सॉरी जी डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये हो गया. अब हमें एफ ऑफ जी जे और के को कलेक्ट करना है. सिंपल सी बात है, एफ एफ को जे जे को कलेक्ट करना है. तो एफ वाला टर्म्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, दैट इज द एफ इज द कॉमन. सो व्हाट वी गेट, आई डेल जी डेल एक्स, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस आई, तो हो गया ये प्लस डेल जी डेल वाई, यहाँ पे जे हो जाएगा और प्लस के इस वाले पोर्शन में के हो जाएगा. सो डेल जी डेल जेड और प्लस अब जी वाले टर्म्स यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो इसको कलेक्ट कर लीजिए, इसमें गुणा कर देंगे आई, तो आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स जे डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड के डेल एफ अपॉन डेल जेड. ठीक, सो व्हाट इज दिस डेल जी, तो एफ डेल ऑफ जी प्लस ये क्या होगा, जी डेल ऑफ एफ, तो ये मिल गया डेल एफ जी. ठीक है, दैट इज अप्रूव्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हो गया. तो इस तरह से हम इसका प्रूफ कर लेंगे. अब अगले पे आते हैं, डिवीजन वाला सेंस जो होगा उसमें क्या होगा, इसको हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे डिवीजन वाले सेंस को.
तो डिवीजन वाला सेंस हमारा ये है फ्रेंड्स, है ना, कि जो होगा डेल, ये भी नहीं चल रहा है, सो ये दिस, इसको देख लेते हैं, डेल जी एफ बाई जी, एफ अपॉन जी इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, ये इसी को प्रूफ करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट कि ग्रेडियंट ऑफ एफ बाई जी, मतलब दो फंक्शन का यदि डिवीजन हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हमारा रूल्स तो वही नॉर्मल ही चलेगा, जो कुछ होते हैं ना, हम ये जानते हैं कि हमारा डेल फाई क्या है, एवरी वन इज नो कि व्हाट इज द डेल फाई, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डेल फाई अपॉन डेल वाई, के डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये है। तो अब फाई की इक्वल टू क्या है, एफ बाई जी, तो दिस इज आई डेल बाई डेल एक्स एफ ऑफ वन जी, जे डेल बाई डेल वाई एफ बाई जी प्लस के डेल बाई डेल जेड एफ बाई सी, ये हो गया, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट। अब यू बाई वी रूल, दैट इज अ यू बाई वी रूल, वॉट इज यू बाई रूल, या डी बाई डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सो दिस इज सेकेंड फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर, दैट इज अ फार्मूला। तो इसी तरह इस वाले कंसेप्ट में भी वही वर्क आउट होगा, आई जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस एफ डेल जेड अपॉन डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे अपॉन में जे स्क्वायर, जे वही काम फिर से यहाँ पे, अब जे इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, ओके दैट इज यू वाई वी, माइनस फर्स्ट इंटू डेल जी डेल वाई प्लस के अपॉन दिस इज जी स्क्वायर के, यहाँ फिर वही काम, डेल डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस और फ्रेंड्स एफ एफ इंटू डेल जी अपॉन डेल जेड अपॉन जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर इज एवरीवेयर है, तो जी स्क्वायर इज कॉमन, हम कॉमन कर सकते हैं, तो वन अपॉन जी स्क्वायर इज द कॉमन, कलेक्ट द टर्म ऑफ जी, जी वेयर इज द जी, ये यहाँ जी है, ये जी यहाँ है और ये यहाँ है, तो और जी कॉमन भी हो सकता है, सो दैट इज द जी, कॉमन कर लीजिए, तो अब इसमें आई से जब गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक, प्लस इस वाले में जे डेल एफ अपॉन डेल वाई एन प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, कहाँ बचेगा, इस वाला, मतलब पहला पहला जो है ये वाला कि पहले पहले टर्म्स, फिर अब ये माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस और एफ ले लेंगे, चूँकि यहाँ पे एफ कॉमन है, ये वाला सेंस, ये और ये एफ जो है, तो अब इसमें एफ जो है तो हम कॉमन लेंगे, तब इसमें आई से गुणा है, चूँकि माइनस ले रहे हैं तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डेल जी डेल एक्स प्लस जे डेल जी डेल वाई, ये वाला टर्म्स, और प्लस के डेल जी डेल जेड ब्रैकेट क्लोज। तो अब देख लीजिए ये क्या है, डेल एफ है, तो जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, सो इट विल बी डेल एफ बाय सी, ये हो गया प्रूव्ड। तो ये कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं, इन सब को हमको करना है, यहाँ एफ एंड जी क्या है, दैट इज स्केलर पॉइंट फंक्शन है, याद रखिएगा एफ एंड जी आर स्केलर पॉइंट
फंक्शन, ठीक है, या एफ एन जी फंक्शन कह सकते हैं आप, एफ एन जी स्केलर पॉइंट फंक्शन. सो दैट इज द कंसेप्ट. तो इस तरह से हम इस डेरिवेटिव वाले सेंस का प्रॉब्लम कर सकते हैं. ओके ठीक है, हम आगे आते हैं और अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है मेरे पास. ठीक है, ग्रेडियंट्स हो गए. अब कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी रहेंगे, कुछ प्रूफ रहेंगे, उस पर हम बातें करेंगे. सो टेक केयर, थैंक यू.